जैसा कि आप लोगों को पता है कि 14 अगस्त हर साल हम लोग जोश व जज्बे और वलवले से मनाते हैं, और स्कूल के असातिज़ा इन लोगों ने तो इस अलम को जो है सर बुलंद रखा हुआ है, और हमेशा इंशाल्लाह जब तक जान में जान है ये लोग इस अलम इस झंडे को सर बुलंद रखेंगे। और ये लोग ये हमारे सिपाही हैं, ये हमारे ये स्कूल टीचर जो है फौजी हैं, ये सिपाही हैं। जिस तरह एक फौजी और सिपाही सरहदों पर मुल्क की हिफाजत करता है, ये लोग वो लोग हैं, ये लोग जो है नजरियाती सरहदों की हिफाजत करते हैं, और जो नजरिया है वो भी वतन बनाने के लिए लोगों में रूह फूंकते हैं, और नई नस्ल को जो है मुल्क की खिदमत के लिए और मुल्क की हिफाजत के लिए आगाह करते हैं और उनको तैयार करते हैं। मेरे असातिज़ा, मेरे नए टीचर्स, प्राइमरी स्कूल टीचर्स, JSD जूनियर स्कूल टीचर्स जो आए हैं, उनसे मैं कहूँगा कि मुल्क की हिफाजत के लिए आपने जो एक अज़म रखा, अज़म लेकर निकले हैं, इस मुल्क की हिफाजत आप लोगों ने फौजी की तरह करनी है, सिपाही की तरह करनी है। आपने ही इस मुल्क को बचाना है और इस मुल्क को सही रास्ते पे गामजन करना है। आप लोगों को जश्न आज़ादी मुबारक हो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, है कायदे आज़म तेरा एहसान है, एहसान ये लड़कियों को याद है ना, लपे आमीन। आप कर दो हाथ दुआई कलमात के लिए। आपने कहा है कि मुल्क है तो हम इस मुल्क से हमारी पहचान है, या अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत रखना, इस मुल्क की सरहदों की, इसकी नजरिया की सरहदों की हिफाजत रखना, और इस मुल्क के बसने वाले तमाम लोग, तमाम कौमियतें, तमाम मजाहब के लोगों की पाकिस्तान जिंदाबाद।